तहे दिल नमस्कार, फिर आ गया हूँ आप सबके सामने एक और वीडियो लेके। आप सबने देख ही लिया, हर बार की तरह मैंने लकड़ी का एक साइड को प्लेन कर लिया है। तो फिर हम अब बनाएंगे इसमें स्केच। हो सकता है आप सभी को मेरे स्केच बनाते वक्त आपको दिखाई ना भी दे, तो मैं कोशिश करूंगा बन जाने के बाद आप सबको स्केच दिखाने का कि मैं किस चीज का स्केच बना रहा हूं। ये मेरा स्केच बन चुका है। आज मैंने स्केच बनाया है पीकॉक का। अगर कोई मेरा व्यूवर्स इस आर्ट को सीखना चाहते हैं तो उनको थोड़ा बहुत स्केच आना बहुत ज़रूरी है। बिना स्केच का आप कुछ नहीं आइडिया लगा पाओगे कि कहाँ से कटिंग करना है। तो ये हमारा स्केच आखिर बन चुका है। अब हम इसको फिर हर बार की तरह इसको कटिंग करें। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। जिस लकड़ी से मैं अभी ये पिकॉक बना रहा हूँ, ये लकड़ी वो नहीं है जो मैं पहले वीडियो में बनाया करता था। तो इस वीडियो में मैं एक अलग सा नया लकड़ी ट्राई कर रहा हूँ। इस वजह से यहाँ आपको काला काला दाग दिखाई दे रहा होगा। चलिए इस लकड़ी से कैसे बनता है वो भी ट्राई करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ये ऊपरी भाग है वो निकल चुका है। अब हम निकालेंगे इस साइड का और यहां से जैसे स्केच किया है उस हिसाब से कटिंग करते जाएंगे। अभी हमारा इस साइड का भी मोटा मोटी कटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग के लिए आसानी हो इसलिए पीछे से एक आइडिया के लिए स्केच बनाएंगे और स्केच के मुताबिक से कटिंग करेंगे। हो चुका है, अब फिर हम यहां से कटिंग करेंगे। अब हम फिर यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले जो स्केच बनाया था ये स्केच पीकॉक का बदन के लिए है। चलिए फिर बदन के लिए कटिंग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की पूंछ की तरफ एक छोटा सा स्केच कर लेंगे। फिर कटिंग शुरू करेंगे।
हम क्या करेंगे, यहाँ पे पंख के लिए स्केच करेंगे। दोनों साइड हल्का सा स्केच कर लिया है पंख के लिए, अब फिर हम इसको कटिंग करेंगे। अब हम पूंछ को शुरू करेंगे। आइडिया के लिए बस हल्का हल्का स्केच बना लें। फिर कटिंग स्टार्ट शुरू करेंगे। अब हम इसमें लाइन देंगे जैसे मोर का पूंछ में होता है। अब हम क्या करेंगे, पंख के लिए स्केच करेंगे, उसके बाद फिर कटिंग शुरू करेंगे। Oh,
हमारा पंख का डिजाइन हो चुका है। अब हम चलेंगे गर्दन और सिर की ओर। ये हमारा गर्दन और सिर के बीच में जो गेप था ये कटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गर्दन को मिलाएंगे। अब ये हमारा गर्दन और सिर का शेप बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पंजे बनाएंगे। पंजे के लिए सबसे पहले आप स्केच बनाइए उसके बाद धीरे धीरे पंजे को कटिंग करते हुए शेप में लाएंगे। अभी हमारा पंजाबी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्पीड डिजाइन देंगे। उसके बाद बन गया हमारा पिको। अभी हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है। अब रह गया लास्ट ये पूंछ को। पूंछ को मैंने थोड़ा बहुत डिज़ाइन दे रखा है। अब इसको कटिंग करेंगे। अभी आखिरी हमारा पूंछ भी बन चुका है। अब इसको पेपर से रगड़ के फिनिशिंग देंगे। उसके बाद टच छूट लगा के हो गया हमारा ये पीकॉक कंप्लीट। ये देखिए ना, जो मार रहा है उसकी जनाब ने पेपर